राजनीति के गलियारों में इस समय सचिन पायलट का नाम जोर शोर से गूंज रहा है, लेकिन क्या उनके जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी आपको पता है क्या? हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की लव स्टोरी की, जो कि किसी फिल्मी थ्रिलर लव स्टोरी से कम नहीं है। सचिन हिंदू और उनकी पत्नी मुस्लिम, भारतीय समाज में ये कैसे संभव हो सकता है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट किसी से कम नहीं है। दोनों की लव स्टोरी बेहद ही इंटरेस्टिंग है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लेडी है। वैसे तो राजनीति के गलियारों में सचिन पायलट की सारा पायलट की चर्चा कम ही होती है, लेकिन सारा पायलट का राजनीति के साथ जन्म से बड़ा ही गहरा नाता है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन है। बताया जाता है कि सारा पायलट और सचिन पायलट के बीच बेहद ही गजब की केमिस्ट्री है। लोग कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये बात शायद सचिन पायलट पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट के सपोर्ट के बिना सचिन का राजनीति की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम पाना बेहद मुश्किल होता है। जब सचिन पायलट राजनीति के काम से पूरे देश का दौरा करते हैं, तब सारा पायलट घर पर रहकर बच्चों को संभालती है। इसके अलावा सारा पायलट यूनाइटेड नेशन की भारतीय विंग में महिला विकास के लिए भी काम करती है। जम्मू कश्मीर में जब 90 के दशक में अशांति और अराजकता का वातावरण बन रहा था, तो फारूक अब्दुल्ला ने घाटी में अशांति और सुरक्षा के माहौल को देखते हुए बेटी सारा पायलट को अपनी माँ के साथ लंदन भेज दिया था। इसके बाद से ही सारा पायलट ने अपनी जिंदगी के कई साल विदेश में ही गुजारे थे। सारा सचिन को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। सारा पायलट के पिता फारूक अब्दुल्ला और सचिन पायलट के पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट राजनीतिक दोस्त थे। जब एक शादी समारोह में दोनों के परिवार मिले, तब वहीं सचिन पायलट और सारा पायलट की पहली मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सचिन और सारा की पहली मुलाकात के बाद सब कुछ आसान नहीं था। इसके बाद दोनों को मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद जब सचिन पायलट MBA करने के लिए अमेरिका गए, तब दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई। दोनों में साथ पढ़ते पढ़ते ही प्यार हो गया था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया के वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में धीरे धीरे सारा पायलट और सचिन पायलट की दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। सचिन और सारा अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन दोनों की लव स्टोरी के रास्ते में अभी कई अड़चनें आनी बाकी थी। सारा अपनी पढ़ाई के बाद भी विदेश में ही रह रही थी, लेकिन सचिन पायलट वापस भारत लौट आए थे। जुदाई के इस लंबे दौर में दोनों अक्सर फोन पर बातें करते रहते और ईमेल और टेक्स्ट मैसेज का दौर भी जारी रहा। सारा ने एक टीवी इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था, जुदाई के वक्त ईमेल और टेक्स्ट मैसेज से सारा और सचिन हमेशा जुड़े रहे, जिससे उनका प्यार और गहरा होता गया। सारा सचिन के बीच फैमिली गार्डन का भी लगा। जब सारा और सचिन पायलट को लगने लगा कि दोनों जिंदगी भर साथ निभा सकते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार वालों को मनाने की ठानी। सारा ने विदेश में ही एक बार सचिन पायलट को अपनी माँ से मिलवाया था और उन्हें अपनी लव स्टोरी बताई थी। सचिन पायलट की मासूम मुस्कुराहट ने पहली बार में सारा पायलट की माँ को दिल जीत लिया, लेकिन सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला को मनाना भी आसान नहीं था। फारूक अब्दुल्ला अपनी बेटी सारा पायलट से बेहद प्यार करते थे। फारूक अब्दुल्ला कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारणों से भी सारा और सचिन की लव स्टोरी के खिलाफ थे। वहीं सचिन पायलट का परिवार भी एक मुस्लिम लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। बाद में सचिन पायलट ने अपनी माँ रमा पायलट को मना लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में जैसे ही इस राज से पर्दा उठा, फारूक अब्दुल्ला को बेहद आलोचना का सामना करना पड़ा। घाटी में कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी एक काफिर से शादी करने जा रही है। उस दौर में फारूक अब्दुल्ला को अपनी पार्टी के कुछ विधायकों के भी विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद सारा सचिन के प्यार पर पहरा लगा दिया गया। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों ने कहा था कि इस्लाम के मुताबिक मुस्लिम युवक किसी भी गैर मुस्लिम महिला से शादी कर सकता है, लेकिन कोई मुस्लिम महिला किसी गैर मुस्लिम युवक से शादी नहीं कर सकती है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सचिन और सारा के प्यार पर पहरा लगा दिया। उन्होंने दोनों की फोन पर होने वाली बातचीत पर भी पाबंदी लगा दी थी। फारूक अब्दुल्ला की इस पाबंदी के बाद दोनों ने कुछ समय इंतजार करने का फैसला किया। जब इसी तरह इंतजार में 3 साल गुजर गए और स्थिति ऐसी ही बनी रही, तब सचिन और सारा ने शादी का फैसला किया। 15 जनवरी 2004 में एक सिंपल से समारोह में सचिन और सारा की शादी। इस शादी में सारा पायलट के पिता फारूक अब्दुल्ला और उनके भाई उमर अब्दुल्ला दोनों ही नहीं शामिल हुए थे। अब सारा और सचिन पायलट की शादी को करीब 14 साल हो गए हैं। सचिन और सारा पायलट खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सचिन और सारा पायलट के आरन और विहाना के 2 बेटे भी हैं। सारा पायलट के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। सारा पायलट देश की इकलौती ऐसी महिला है जिनके दादा, पिता और भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सारा पायलट के पिता फारूक अब्दुल्ला, दादा शेख अब्दुल्ला, भाई उमर अब्दुल्ला और फूफा गुलाम मोहम्मद शाह जम्मू कश्मीर के CM रह चुके हैं। अगर सचिन पायलट राजस्थान के भविष्य में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सारा पायलट के नाम ये भी रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा कि उनके पिता और पति दोनों CM रह चुके हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट कर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।